हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमारे यूट्यूब चैनल भावना किचन में फिर से स्वागत है आपका एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे मूंग के छिलके वाली दाल। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम दाल ली है, जिसको पानी के अंदर अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। और दो टमाटर और दो हरी मिर्च और दो प्याज को अच्छी तरह बारीक कट कर लिया है। और अब हम गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर पतीला रख दिया है। पतीले के अंदर 2 बड़े चम्मच सरसों डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और इसके अंदर हम थोड़ा जीरा डाल दिया है। और अब इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली डाल दिए है। इसको थोड़ा हम इसके अंदर थोड़ा भून लेते हैं और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर हमने मिक्स किया हुआ मसाला डाल दिया है। 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब इस मसाले को हम अच्छे से पका लेते हैं। देखिए, मसाला हमारा पककर तैयार हो चुका है। और अब इसके अंदर मसाले के अंदर हम डाल दिए दाल, जिसको हमने पहले ही भिगो कर रखा था। ये मूंग के छिलके वाली दाल है, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी दाल है पककर तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसको हमने पहले भी बॉईल कर लिया था और अब रेडी है। इसको आप रोटी पूरी पराठे के साथ खा सकते हो। तो अच्छा, धन्यवाद। थैंक्स सो मच वॉचिंग माई वीडियो भाई। टेक केयर। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।